आपकी हेयर स्टाइल अगर बराबर नहीं है ना तो आपका लुक वहीं डेड हो जाता है। ये तो ये केराटिन का लगेगा ताकि इससे और मेरे जो डेड हेयर वगैरह है वो सही हो जाएंगे। न्यूट्रेला का लगेगा, उसके बाद आप लोगों को मिलेगा न्यू रिजल्ट मेरी हेयर स्टाइल का। कितना भी रेडी हो जाओ, कुछ भी कर लो, आपकी हेयर स्टाइल अगर बराबर नहीं है ना तो आपका लुक वहीं डेड हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस वहीं गिर जाता है। मैं तो समझता हूँ कि 80% कॉन्फिडेंस जो इंसान को आता है ना रेडी होने के बाद, वो हेयर स्टाइल से आता है। हेयर स्टाइल प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि लास्ट टाइम मैंने दिसंबर में हेयर स्मूथनिंग कराया, 6 महीने तक के वो स्मूथिंग स्ट्रेटिंग मैंने रखा, 6 महीने के बाद मैंने कोशिश की एक नई हेयर स्टाइल देने की, और यहाँ से मैंने वो कटिंग जो कराते वो सब कराया, तो उसके 3 महीने के बाद हुआ ये कि मेरे बाल स्मूथ और नॉर्मल बाल मिक्स हो गए, और अब फाइनली कुछ महीनों से मेरे बाल एकदम अजीब से शेपलेस हो गए। आप देख सकते हैं नूडल्स से निकले हुए, अजीब से यहाँ से निकले हुए, कहीं ऊपर से स्ट्रेट है। तो इसलिए अगर आप मेरा रेगुलर ब्लॉग देखते होंगे तो आपने नोटिस करा होगा कि मैं कैप पहन के ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। उसकी वजह यही है कि मेरे बाल कम्प्लीटली ख़राब हो चुके हैं, ख़राब मतलब डैमेज नहीं हुए, शेपलेस हो चुके हैं। अब फाइनली आज मैं जा रहा हूँ अपनी स्मूथनिंग कराने के लिए और अपना हेयर का ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देने के लिए, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोग अपने बालों को कैसा ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं, केराटिन स्मूथनिंग कैसे करा सकते हैं, और प्रॉपर वे क्या है कराने का। कई सारे लोग ये गलती करते हैं कि गलत ब्रांड चूज़ करते हैं, गलत तरीके से स्मूथनिंग करते हैं, और उनके बालों की बैंड बच जाती है और आधे बाल अजीब से झाड़ू जैसे खड़े खड़े हो जाते हैं, और फिर वो बाद में पछताते हैं। एक बार केमिकल लग गया आपके बाल पे, स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग हो गई, तो फिर कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ कटा सकते हो बाल को। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे प्रॉपर स्मूथनिंग कैसे होती है, कौन सा ब्रांड चूज़ करें, सारी चीज़ बताऊंगा। सैलून में पहुंच के मुझे भी हो रहा है लेट, आपको सैलून में डायरेक्ट मैं मिलता हूँ। स्टाइलो में फाइनली अपने हेयर का ट्रांसफॉर्मेशन कराने, आप मुझे कैप से छुटकारा चाहिए बात भाई, अभी ये बहुत हो गया। आप देखो कैसा है, क्या है, मतलब बाल खराब हो गए पूरे। आज हम लोग करने वाले मैट्रिक्स का ये ऑप्टी स्ट्रेट, जो कि बहुत ही बढ़िया, लॉरेल का भी अच्छा है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड अच्छे हैं। लेकिन गाइस अगर आप लोग स्मूथिंग स्ट्रेटनिंग कुछ भी कराते हो, प्लीज आपके सैलून अगर आपका भरोसे वाला तो बात अलग है, जैसे बात है मेरे भाई जैसे, लेकिन अगर भरोसे वाला नहीं तो प्लीज एक्सपायरी डेट वगैरह चेक करना। कई सारे सैलून में क्या होता है कि 600 रुपये में, 800 रुपये में आपको स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग है, और क्या रहता है आउट ऑफ डेट एक्सपायर प्रोडक्ट रहता है, उसमें एक्सपायरी हो चुकी होती है और आपके बाल की बच जाती है, डैमेज हो जाता है। लेकिन अगर आप जनरल प्रोडक्ट यूज करोगे, एक्सपायरी वाला नहीं यूज करोगे, अच्छा ब्रांड यूज करोगे, तो जबरदस्त स्मूथनिंग का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आइए स्मूथनिंग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो गाइस स्मूथिंग स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहला हम लोग करने वाले स्टेप 1, ये स्मूथिंग क्रीम, स्ट्रेटनिंग क्रीम लगेगी। फिर उसके बाद ये केराटिन का जो है, ये क्या है फाद भाई, केराटिन ही है? जी केराटिन है। ओके, तो ये केराटिन का लगेगा ताकि इससे और मेरे जो डेड हेयर वगैरह है वो सही हो जाएंगे ना। जी जी। और उसके बाद स्ट्रेटनिंग आइनिंग होगी, आइनिंग में बहुत लंबा टाइम लगता है। फिर उसके बाद ये क्या है, न्यूट्रलाइजर, न्यूट्रलाइजर लगेगा। उसके बाद आप लोगों को मिलेगा न्यू रिजल्ट मेरी हेयर स्टाइल का। गाइस स्टार्ट हो चुका है काम, फटाफट मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो गाइस सबसे पहला जो ये प्रोसेस में स्टार्ट हुआ, ये जो है सेक्शनिंग, जो सेक्शन अलग अलग बाल को डिवाइड कर करके, ताकि जो क्रीम है वो, जो नंबर 1 जो स्टेप क्रीम है वो सारे बालों में अच्छे से लग जाए। अगर क्रीम आ गया गाइस बराबर से लगेगी नहीं तो स्ट्रेटनिंग नहीं है ना, पूरी क्रीम अंदर, पूरी अंदर तक मल्टीप्लाई। तो ये मिस्टेक लोगों से होती है, जो लोग घर में स्ट्रेटनिंग वगैरह करते हैं वो लोग क्रीम बराबर से लगाते नहीं है, वो थोड़ा सा कैसे भी सब जगह लगा के बाद में उसको वॉश कर देते हैं, बाद में जब आइनिंग का टाइम आता है तो क्रीम का इफेक्ट रहता ही नहीं है, जीरो इफेक्ट रहता है। तो ये बहुत जरूरी है, आपके बाल को अच्छे से डिवाइड करें और उसके बाद क्रीम लगाए। आप लोग सारा प्रोसेस अभी देखोगे एनीवेज। तो स्टेप नंबर 1 ये है मैट्रिक्स का स्मूथिंग क्रीम। देख रहे बीच में पानी जो हल्का लगे बाल है, तो क्या ये इसका रीजन ये है कि अगर आपके बाल में पहले से केमिकल लगा है कलर का या स्मूथनिंग का कुछ है, तो डायरेक्टली अगर क्रीम लगाओगे तो बाल डेड हो सकते हैं, ड्राई हो सकते हैं। तो ड्राइनेस को हटाने के लिए, नेचुरल ग्लो और वो लुक आने के लिए हल्का सा पानी को स्प्रे करते हैं बीच में। तो अभी स्टेप 1 क्रीम लग चुकी है स्मूथनिंग की, इसे 20 से 25 मिनट कुछ रखना है, उसके बाद वॉश कर देना है। जब तक ये क्रीम ड्राई हो रही है टाइम पास चाहे। तो गाइस अभी जा रहे हैं वॉश कराने के लिए, वॉशिंग भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए, क्योंकि अगर ये क्रीम जो लगी है ये अगर रह गई तो आइनिंग बराबर से नहीं होगी और आपकी स्मूथनिंग खराब हो जाएगी, तो वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप घर पे कर रहे हो या आपके कोई सिस्टर या कोई भाई आपका कर रहा है स्मूथिंग, तो ये सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हेयर वॉश बराबर से होना चाहिए। क्योंकि हेयर वॉश हो चुका है, हेयर वॉश के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करना है वो हेयर को ड्राई करना है। जितना भी ये वेट लुक है पूरा चले जाना चाहिए, तो ऐसा टॉवल से या कोई चीज़ से, कपड़े से, कॉटन के टॉवल से आपको अच्छे से पूरा ड्राई कर देना है। उसके बाद हेयर ड्रायर से भी इसको ड्राई करना है। अगर आप ड्राई नहीं करोगे तो आपके बाल झड़ जाएंगे। पापा ये हेयर ड्रायर कितना टेम्परेचर का था, हीट वाला मानना है कि कोल्ड मानना है कि कैसा मानना है? नहीं, हीट ड्रायर आपको जो है एकदम मीडियम हीट पे रखना है और मिनिमम डिस्टेंस पे जो है ना खाली बाल को ऊपर लेके जाके और उसके अंदर हल्का सा खाली इसको। स्टेप वन हो चुका है, स्टेप वन की क्रीम हो चुकी है, वॉश हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हो ये डलनेस दिख रहा है यहाँ पर। ये जो डलनेस है इसके लिए लगेगा केराटिन, जो पापा के हाथ में होगा ये बॉटल हो, ये इधर ये जो दिख रहा है ये केराटिन, तो ये अभी लगेगा हेयर में। इससे क्या आएगा, बाल में शाइन आएगी, ग्लो आएगी और एक नेचुरल जो स्मूथिंग लुक आता है वो आएगा। तो आइए देखते हैं केराटिन कैसे लगता है। तो गाइज ये लग रहा है केराटिन बालों में। आप लोगों को बता दूं, केराटिन अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको वॉश नहीं करना है, उसको हेयर ड्रायर से ड्राई करना है ना फाद भाई? जी जी, उसको हेयर ड्रायर से ड्राई करना है, उसको वॉश नहीं करना है। अगर आपका केराटिन वाला ये जो क्रीम है ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट वॉश के बाद जो पहला स्टेप है वॉश जो हुआ था उसके बाद डायरेक्टली आयनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आयनिंग कैसा करना है वो मैं आगे दिखाऊंगा। तो केराटिन वगैरह लगा के हो गया, केराटिन के बाद हेयर ड्रायर से ड्राई भी हो गया है, अब है बारी आयनिंग की। तो आयनिंग का टेम्परेचर कितना रखना है? आयनिंग का टेम्परेचर 190 रखना है। तो गाइस 190 टेम्परेचर रखना है, टेम्परेचर 200 के ऊपर मत रखना है, मालूम पड़ा बात ज़्यादा ओवर हीट से फिर बाल छिल जाएंगे। तो 190 के टेम्परेचर में थोड़ा सा इसको हीट होने देंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे आयनिंग। तो गाइस आयनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आयनिंग अगर बराबर से नहीं होगी तो आपकी स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग जो भी है वो कुछ भी बराबर से नहीं होगा। आयनिंग करने से पहले सबसे पहले जो है हमको सेक्शन लेना है, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ सेक्शन लेंगे तो इसको फॉलो करते हुए नीचे लेके जाएंगे ताकि हर बाल जो है कवर हो जाए आइनिंग में। तो गाइस आप लोग देख लो ये प्रोसीजर कैसा है करने का, एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप करोगे तो आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोगों को ऐसा है कि कभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है कौन सा है, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो कि पहले स्टेप में ये करना है, सेकेंड में ये करना है, थर्ड में ये करना है। आप नोट डाउन करोगे तो आप स्टेप बाय स्टेप करोगे और प्रॉपरली आपकी स्मूथिंग स्ट्रेटनिंग हो पाएगी। फाइनली आइनिंग हो चुकी है खत्म, अभी लास्ट एक काम बचा है न्यूट्रलाइजर का, ये यहाँ रखा हुआ है। न्यूट्रलाइजर गाइस क्या करता है, ये जो बाल दिख रहे हैं यहाँ से वहाँ ऐसा भाग रहे हैं, ये जो अजीब से शेप है, तो ये न्यूट्रलाइजर बाल को सेट करेगा और क्या करेगा फाद भाई? ये लॉक करेगा, जो हमने आइनिंग करी है ना, मतलब कूल डाउन करके जो फाइनल लुक आएगा। सो गाइस ये है मेरा फाइनल हेयर का ट्रांसफॉर्मेशन लुक। आप देख सकते हो कितना स्मूथ एंड सिल्की हेयर हो गया अभी। आप वीडियो में देख सकते हो कि बाजू में जो वीडियो प्ले हुआ है आज सुबह का जिम का मेरा वीडियो है, उसमें कैसे कर्ली और नूडल्स जैसे अजीब से बाल है। इनफैक्ट जब यहाँ पर मैं आया था तभी भी दिखाया था कि कितने अजीब से और गंदे से शेप में आ गए थे बाल, लेकिन अब गाइस देख सकते हो आप लोग ये शाइन और ये कितना स्मूथ मेरा हाल जा रहा है। और ये सारा कमाल है बाद भाई का, यहाँ पर जो खड़े पापा जबरदस्त कमाल है, मतलब ये जो यहाँ पर से घूम रहा था पूरा अटक रहा था पूरा ये सॉफ्ट हो गया। और गाइस आप लोगों को बता दूं जो मैंने प्रोसीजर बताया, मतलब पापा ने जो मेरे पर करे स्टेप वन स्टेप टू वॉशिंग उसका आइनिंग उसके बाद न्यूट्रलाइजर से लेके स्टार्टिंग से लेके न्यूट्रलाइजर तक आप अगर वैसा ही करोगे तो ही आपको ये लुक मिलेगा और ये सॉफ्ट बाल आपके होंगे, नहीं तो वो झाड़ू जैसे कड़क कड़क स्ट्रेटनिंग वाले हो जाएंगे। बहुत ही खतरनाक तरीके से ये लोग काम करते हैं, जबरदस्त। थैंक यू सो मच।